जयपुर में राजपूत सभा भवन के बाहर श्री राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने गोविंद सिंह डोटासरा का पुतला जलाया गया और उग्र विरोध प्रदर्शन किया। राजस्थान सरकार को चेतावनी दी कि जल्द से जल्द डोटासरा को प्रदेश अध्यक्ष पद से निष्कासित करें, वरना करणी सेना पूरे राजस्थान में उग्र प्रदर्शन करेगी और कांग्रेस का बहिष्कार करेगी। प्रदर्शन में महिपाल सिंह मकराना, शेर सिंह कालवी, प्रदेश मीडिया प्रभारी महेंद्र सिंह, जिला संयोजक जितेंद्र सिंह राजावत, जिला अध्यक्ष नारायण सिंह दीवराला, महिला जिला अध्यक्ष हेमलता चौहान, जिला संरक्षक किशोर सिंह, शहर अध्यक्ष नरपत सिंह नाथावत, जसवंत सिंह चौहान, जगदीश सिंह, देवराज सिंह, राजेंद्र सिंह और समस्त जयपुर जिला टीम मौजूद रही। हम लोग ये पूरे प्रदेश में इस चीज की अलग जगाएंगे और जैसे कटारिया को सबक सिखाया था, कटारिया को भी अभी तक नहीं हटाया गया नेता प्रतिपक्ष से, इसको कटारिया को जब तक नहीं हटाएंगे तब तक राजपूत समाज का युवा, नौजवान और महिलाएं इससे हर पार्टी का हम लोग खिलाफत करेंगे। जब तक माना प्रताप के सम्मान में इन दोनों को नहीं हटाया जाए, ये आज पुतला दहन किया गया है केवल एक सांकेतिक तौर पे, सरकार समझ जाए कि हम बख्शने वाले नहीं है। और अगर इनके दिमाग में नहीं आ रहा तो अब की बार काला मुंह उसके घर पर जाके टोडस लगा होगा, चाहे वाइस रहने की आप तुम लोग उसको सुरक्षा दे लो चाहे जेड दे लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब जब करणी सेना बोली है पूरा प्रदेश जानता है हम लोग क्या कर सकते हैं। हमें उकसाओ मत, बार बार राजनेता अपने इस दो कोड़ी के मुंह से कुछ भी बोल जाते हैं। समाज के पुरुधाओं के लिए, 3600 कौम के लिए लड़े थे माना प्रताप, केवल राजपूत समाज के लिए नहीं लड़े, वो स्वाभिमान की लड़ाई थी। अपने परिवार को घास की रोटियां खिला के भी उन जंगलों में भटकते रहे, जो अपने स्वाभिमान ऊंचा रहे, अपने स्वाभिमान के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए। मुगल जिन्होंने पूरे देश के ऊपर राज किया, केवल एक मेवाड़ ऐसा क्षेत्र था जो सबके बावजूद भी उनके कभी उनके अंदर में कभी उनकी पराधीनता स्वीकार नहीं करी। और ये बोलते हैं कि सत्ता की लड़ाई थी, सत्ता के लालची तुम लोग हो, दो कोड़ी के लोग। मैं बोलना चाह रहा हूँ इन सत्ता के दलालों को, चाहे वो कटारिया हो चाहे टोडासरा हो, एक शापनाथ है तो एक नागनाथ है, दोनों के मनों में जहर भरा है। और मैं बीजेपी के उन नेताओं को भी बोलना चाह रहा हूँ, उस टाइम कहाँ मर गए थे जब तुम कटारिया ने माना प्रताप के खिलाफ बोला था। अभी तो तुम लाइन बना के लामबंद होके उनके खिलाफ कांग्रेस ये राजनीति मत करो महापुरुषों पर। अगर तुम्हारे मन में असली में उनके प्रति सम्मान है तो कटारिया का भी उतना ही विरोध करो जितना टोडासरा कर रहे हो, दोनों विरोध की भागीदारी है, दोनों दंड के भागीदारी है। मैं केवल राजपूत समाज की सबसे बड़ी संस्था श्री राजपूत गणेश का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आपके माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ, जब जब इस तरीके का कोई भी गलत कार्य करेगा, हमारे महापुरुषों पर लांछन लगाएगा, गलत बोलेगा, हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे।